तो ये ऑन हो चुका है। लग रहा है नहीं लग रहा है भाई रिजल्ट? जो बिल्कुल फ्रेशर बंदे है उनको भी लग रहा है ना कि मैं बहुत कुछ अब कर सकता हूँ यहाँ से जाने बाद। जो आज मैं चार्जिंग कनेक्टर स्पीकर माइक का ही काम करता था, आईसीयू को देख के मेरे को डर लगता था, डर निकला आप लोगों का? इधर बताओ भाई, क्या आप डबल डेकर को देख के डरोगे? नहीं। आईसीयू का कोई भी काम आया उसको देख के डरोगे? नहीं। फैजान भाई डरोगे अब? हाँ कर लोगे ना काम? नोट्स बताओ, तुम्हारी पूरी नोट्स बताओ वहां से। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो हमारी ये 16 अगस्त बैच रनिंग चल रही है और नेक्स्ट बैच है 13 सितंबर। ओनली 7 सीट अवेलेबल है। जिस किसी भाई को अपनी लाइफ चेंज करना है, अपने काम को बढ़ाना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है, तो आ जाइए वकार खान इंस्टीट्यूट। ओनली 16,000 रुपये, डेड फोन, ब्लैक पेस्टेड ऑन मोबाइल 16,000 में कोई नहीं देगा। लेव मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। और जैसे कि कल इनका प्रैक्टिकल हुआ नेटवर्क का, चार्जिंग का थ्योरी हुई इनकी, तो चलिए जानते हैं उसमें कितने कुछ हैंडसेट इनके रिपेयर हुए थे। लाइव डेमो बिल्कुल इनके सामने, हम जानेंगे मयूर भाई से उनका कौन सा हैंडसेट बना था, और हमारे अमीर अंसारी इनसे भी जानेंगे कि इनका कौन सा हैंडसेट था इन्होंने जो लाए थे, काफ़ी जगह घुमा हुआ था और वो यहाँ पे लाइव इनके सामने रिपेयर हुआ है, वो भी हम जानेंगे। मयूर भाई बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, जो कल बेस बैंड अननोन हैंडसेट अपन ने रिपेयर किया वो कौन सा हैंडसेट था? वो पोको का था F1 जी। उसका बेस बैंड नहीं ये हो रहा था, तो उसके बेस बैंड अननोन था ना? हाँ बेस बैंड अननोन था उसका जी। तो उसका नहीं सॉफ्टवेयर से भी नहीं हो रहा था उसको, सॉफ्टवेयर मार के भी पहले देखा था वो तो नहीं हो रहा था, लेकिन इधर स्टेप बाय स्टेप चेक किया तो उसमें TRX IC चेंज करके वो हो गया। वकार खान की स्टेप को फॉलो करे तो रिजल्ट मिला ना आपको? हाँ हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप किया तो फोन हो गए ओके, क्लियर हो गए। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंदर उनका जो ओके हैंडसेट है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। और आप दूसरा कौन सा हैंडसेट था आपका? मेरा वीवो वाई बता दीजिए, क्या फॉल्ट है उसके अंदर बता दीजिए। कल जो अपन ने तुम्हारा एक हैंडसेट किया रिंगर का, हाँ। वो भी बता दीजिए, उसकी पूरी डिटेल दे दीजिए, कितनी जगह घूम के आया था। और यहाँ पे लेव मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे अब आते हो तो आपका पैसा कितने दिन में कवर हो जाएगा और कितना कुछ फ़ायदा है यहाँ पे आपको आने में? अगर आप जाओगे 40 दिन 50 दिन पैसा वेस्ट होगा। डायरेक्ट आइए लेव मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे, आपको अगर शॉप का काम करना है तो डायरेक्ट आइए शॉप पे। बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मेरा MI Note 7 था, उसमें रिंगर का प्रॉब्लम था, रिंगर वर्क नहीं कर रहा था। मैं ट्राई किया, मैंने थोड़े एक दो लोग से सलाह भी ली, उससे भी नहीं हुआ। फिर बहुत ट्राई करने के बाद वकार खान सर का जो स्टेप था, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद में वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट कल वर्किंग। उसमें फिर बैड हेल्थ का इशू आया, वो भी निकाला, और पूरा फ़ोन जो चल नहीं रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। फ्लैश करने के बाद में IMI नहीं ले रही थी, उसके बाद में वो स्टेप भी हमने फॉलो करे, उसमें कंप्लीट करके उसको एकदम रेडी कर दिया है। अभी फ़ोन कंप्लीट वर्किंग कर रहा है रिंगर के साथ में। तो हमारे एक भाई है जो गुजरात से आए, ये आप लोगों के सामने एक डबल डेकर है जिसकी प्रिंट निकली हुई है, कुछ 3 बॉल निकले हुए, आप लोगों के सामने माइक्रो जंपर करके हैंडसेट को ऑन करेंगे। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे हमारे पास आने से पहले ये किस लेवल पे थे और अभी 100% ये चिप लेवल यहाँ पे काम कर रहे, तो हम लोग वो भी जानेंगे कि कितना कुछ इनको सीखने मिला है यहाँ पे और ये सब ये कहाँ पे सीखे। जो बंदा बिल्कुल IC का काम नहीं करता था यहाँ पे आज माइक्रो जंपर कर रहा है, फ़ोन को प्रॉपर वे में ट्रेस कर रहा है, तो जानते हैं हम लोग ये सब ये कहाँ पे सीखे है और कितनी इतनी दूर से आने बाद कई इंस्टीट्यूट इनको रास्ते में मिलते हैं। वकार खान इंस्टीट्यूट में आने की खास वजह हम वो भी जानेंगे भाई से। कहाँ से हो भाई आप? मैं गुजरात बोटाद से हूँ जी। पहले मैं बेसिक रिपेयरिंग ही करता था जी, जैसे माइक स्पीकर रिंगर वो सब हो गया। भाई मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा वकार इंस्टीट्यूट का, फिर मैंने एक बार सोच लिया कि मेरे को एक बार वहाँ जाना ही है। यहाँ आने के बाद मैं 80 से 90% नॉलेज कम्प्लीट ले लिया है कि मैं वो कर सकता हूँ। मैं अपने गांव से जो हैंडसेट लाया था वो मेरे गांव के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, उसने सब ट्राई कर लिया था, फिर भी वो हैंडसेट नहीं बना था। जो वकार खान इंस्टीट्यूट में वकार सर है, उसने वो एंड लेवल तक ट्राई करके वो बना दिया है मेरा हैंडसेट, जो मेरे को लगता था कि नहीं बनेगा, उसको स्वैप ही करना पड़ेगा, पर उसी बोर्ड में वो रेडी हो गया फोन। 100% इधर काम मिलता है हमको जी जी। तो भाई ने कहा कि हमारे यहाँ पे एक्सपर्टों ने उस पर वर्क किया था बट वो केस सॉल्व नहीं हुआ था, सेम कंडीशन थी, सेम इशू था। तो भाई यहाँ पे वो हैंडसेट लेके आए, जैसी थ्योरी होती है उसके बाद प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल इनके ही हैंडसेट पे बताते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। और
100% यहाँ पे रिजल्ट निकला, आप लोगों के सामने रिजल्ट निकलता है ना भाई? यस सर। निकलता है ना? यस सर। तो चलिए हमारे भाई जो अभी आप लोगों के सामने मैक्रो जंपर करेंगे, एक सैमसंग का इनसेट है डबल डेकर जिसकी प्रिंट निकली हुई है, और वो इनसेट को आप लोगों के सामने लेव काम करते हुए ऑन करते हुए बताएंगे। चलिए वर्क करेंगे। तो ऑन हो चुका है, तो जल्दी जानते हैं हम रवि भाई से, जो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे लेव प्रैक्टिकल काम किया है, उसमें माइक्रो जंपर किया और सीपीयू और रैम भी आपने लगाया ना? हाँ सर। आपने देखा तरीका कैसे काम करना है, कैसे स्टेप को फॉलो करना है? अगर आप वो स्टेप से फॉलो करते हो तो रिजल्ट आपके सामने लग रहा है ना? 100% लग रहा है। नहीं लग रहा है भाई रिजल्ट? जो बिल्कुल फ्रेशर बंदे है उनको भी लग रहा है ना कि मैं बहुत कुछ अब कर सकता हूँ यहाँ से जाने बाद। जो आज मैं चार्जिंग कनेक्टर स्पीकर माइक का ही काम करता था, आईसीयू को देख के मेरे को डर लगता था, डर निकला आप लोगों का? इधर बताओ भाई, क्या आप डबल डेकर को देख के डरोगे? नहीं। आईसी का कोई भी काम आया उसको देख के डरोगे? नहीं। फैजान भाई डरोगे अब? हाँ कर लोगे ना काम? नोट्स बताओ, तुम्हारी पूरी नोट्स बताओ वहां से। तो देखो हमारे भाई ने नोट्स को भी काफी हिफाजत से रखा है, उनको पता है ये नोट्स नहीं है, ये जादू की छड़ी। हमारे फैजान भाई का कहना है कि मैं इससे बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो क्या आप लोग 100% आपके टेबल पे जाके काम करोगे? करोंगे ना? स्टेप फॉलो करोगे, 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो बता रहे बिल्कुल रियल बता रहे, कुछ भी फेक नहीं है। क्योंकि हमको पता है बंदा कैसे पैसे लाता है, कितनी मेहनत से लाता है, कितनी तकलीफों से आता है, तो यहाँ पे आपको 100% काम सीखने मिल रहा है ना? हर तरीके का, मैं जैसे बोलूँ प्रैक्टिकल, लेव थेरी और लेव शॉप, तीनों चीज मिल रही है आपको? मिल रही है ना? कि टाइम पास हो रहा है आपका? बिल्कुल रियल आप बोल सकते हो, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि भाई नहीं आप गलत बोल रहे हो, आपको दबाव में हम बोल रहे हैं, हम तो आपके धुलिया शहर में आए, जो भी बोलना है सच बोलना है, डर सिर्फ अल्लाह का चाहिए। सीख रहे हो ना आप? यहाँ आप नेपाल से आए हो भाई, हमारे भड़गांव से आए, हमारे एक भाई आप देख सकते हो, ये हमारे चीनी भाई भी है जो नेपाल से आए, काफ़ी दूर दूर से बंदे आए, और बिहार से भी आए, हमारे एक भाई है जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट का वर्क देखते हुए यहाँ पे आए। कहाँ से हो भाई आप? खंडवा एमपी से आए। हमारे खंडवा के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, इमरान भाई वगैरह, उनका वर्क देखते हुए यहाँ पे आए, और 100% ये भी अब यहाँ पे यहाँ से जाने बाद अगर वर्क करते रहेंगे तो 100% इनको भी रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट स्टूडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।